Batman becomes a Dracula. Vicky! मैं आज फिर से लेट हो गई, मॉम आज जरूर डांटेंगी। अरे ये बंगलो, इसमें से भूत कभी भी बाहर आ सकता है, मुझे डर लग रहा है, क्या करूं? क्या मजाक कर रही हो गांको? ये भूत भूत सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं गांको? लगता है ये दिन में सपने देखने लगी है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से उस ड्रैकुला को देखा था, सच में। देखो ऐसे फालतू जोक्स मारना बंद करो, ये ड्रैकुला सिर्फ किताबों में होते हैं, समझी? ऐसी झूठी कहानियाँ बनाकर हमें बेवकूफ मत बनाओ, तुम जरूर बहाने बना रही हो। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैंने सच में ड्रैकुला को देखा था। गांको इतना चिल्लाकर बात क्यों कर रही हो? लेकिन मॉम। क्या गांको, अगर तुम्हें झूठ बोलना ही था तो कुछ यकीन करने वाला झूठ बोलती। मैं सच कह रही हूँ। चलो शुक्र है ये सपना था। पहले जरा इधर देखो परमैन, लेकिन तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? वो मैं और बूबी छुपा छुपी खेल रहे थे तो मैं चिमनी में जाकर छुप गया, वहाँ मेरी ये हालत हुई। वो छोड़ो ना, तुम जरा ये टोपी और मेरी नई चादर देखो, ये सामान वहाँ पड़ा हुआ था तो मैं उठा कर ले आया। बोलो अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम तीसरी गली के पास वाले पुराने ग्राउंड पर थे परमैन? हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? तो मैंने ठीक ही सोचा था, कांको ने जो ड्रैकुला देखा था वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। बाल बाल बच गया, आज टाइम पे पहुंचा। क्या कह रहे हो तुम, सच में? हाँ सच में, उसने ड्रैकुला देखा था। ड्रैकुला? ऐसा हुआ था क्या? ये ड्रैकुला सच में होते हैं? तो यकीन नहीं हो रहा है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिट्ठू। मिट्ठू, हमने सुना है कि गांको ने ड्रैकुला देखा था, क्या ये सच है? क्या? और ये अफवाह सारे स्कूल में फैल गई है। क्या तुम्हें पता है, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दांत बाहर निकाल कर मुझे डराया। अच्छा, तो गांको तुम्हें डर लगा होगा ना? मुझे बहुत। ओह, ये गांको की बच्ची भी ना, इसे मुझे सब कुछ समझा देना चाहिए था, अब ये बात हर जगह फैला देगी, क्या करूँ मैं इसका? क्या तुम सब उस बंगले में जा रहे हो? हाँ, हम उस बंगले में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि वहाँ ड्रैकुला रहता है। हमें लगता है कि गांको को कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ मुझे भी लगता है, ड्रैकुला जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्यों मिट्ठू, तुम्हें डर लग रहा है ना? नहीं डर तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं वो... ओहो, ये कहाँ फंस गया, मैं इन्हें सच भी तो नहीं बता सकता ना। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मत आना तुम। और हम सब घर पहुँच कर वहाँ जाने की तैयारी करने वाले हैं। अरे सुनो तो, मिचिको को भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ, तो ठीक है मुझे जाना ही होगा। हे मिट्ठू, कहाँ है? वो घर पर नहीं है, वो तो कहीं बाहर गया है। मुझे लगता है कि ड्रैकुला वैक्युला दुनिया में नहीं होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है हमने मिट्ठू से भी कुछ ऐसे ही कहा था, अब चलो अंदर चलते हैं। इस बंगलों में कितनी गर्मी लग रही है ना? मुझे तो डर भी लग रहा है। अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तुम ऐसे मत डराया करो। ये तो बस एक चूहा था, जरा सीढ़ियों से सावधान रहना, पुरानी है टूट ना जाए। ठीक है। लगता है वो आ गए। कब आओ? मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारे पापा की नकली दांत मिल गए? नहीं नहीं मिले, और तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें याद आ रही हैं? जब तक मैं बात नहीं करूं मेरा टेंशन कम ही नहीं होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है।
हुआ? अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है। वहाँ पर कुछ था, यकीन है मुझे ड्रैकुला ही था। ये तुम्हारा वहम है, जैसे तुम ज्यादा डरने लगते हो तुम्हें ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वहाँ होती नहीं है। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? अपने साथ साथ मुझे भी डरा रहे हो। मैं गलत था। आप कैसे कबा और उसके दोस्तों को अच्छा सबक मिल गया। अरे रुक क्यों गए? देखा ना, हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर सचमुच ड्रैकुला है? मुझे भी ऐसा ही लगता है कबा। मतलब जिसे किसी ने नहीं देखा था हमने उसे ढूंढ निकाला। मेरी बात मानो, हम जल्दी से अपने कैमरे से उसकी तस्वीर ले लेते हैं। ओए ड्रैकुला के बच्चे, बाहर आ। अगर तेरे में दम है तो मुझे लड़के बता। अरे ये क्या, ये लोग अब तक गए नहीं? ये बदबू कहाँ से आ रही है? अटैक, ये लो, ये लो, ये लो। बस थोड़ी देर और साबू, इसकी बदबू से हम इसे भगा सकते हैं। बचाओ! हेलो बच्चों। पता नहीं ये लोग अब तक क्यों चिल्ला रहे हैं। ओहो, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? डरो मत, मैं हूँ पाको। पाको? और ये चालाक लोमड़ी मैं हूँ। तुम लोगों ने मुझे डराई दिया था, लेकिन तुम सब ये मास्क पहन कर क्यों आए हो? रोबोट ने हमें सब कुछ बता दिया। तो हमने सोचा तुम्हें भी थोड़ा डराते हैं, मजा आएगा। फिर कबाओ और उसके दोस्तों ने हमें देखा और डर के भाग गए। तो ये बात है। हाँ, ये जा भी नहीं रही है। हम सच कह रहे हैं, हमने उसे वहाँ देखा था। जरा इस तस्वीर पर नजर डालो, तुम्हें भी यकीन आ जाएगा। और वहाँ वोल्फमैन और जाइंटमैन भी थे। तुम सच कह रहे हो? ओ, अब क्या करें? ये तीनों तो स्टोरी को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हेलो दोस्तों, ध्यान से सुनो। अभी अभी हमने पूरे बंगलों को चारों ओर से छान मारा है और पता चला है कि ड्रैकुला यहाँ है ही नहीं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों, कोई वुल्फमैन भी नहीं है। शायद किसी ने डर के मारे कौवे को ड्रैकुला समझ लिया होगा। और ओ, ये तो सब अफवाहें थी। तो बच्चों, अब तुम सब घर चले जाओ। हाँ दोस्त, वो तो अफवाह थी। हाँ, अगर परमैन ये बात कह रहे हैं तो सच ही होगा। चलो चलते हैं। अरे दोस्तों, हमारी बात सुनो। ये तो चले गए। कबाओ, कोई बात नहीं, हमने सच में उन्हें देखा था ना, हमारे लिए यही काफी है। हाँ, ये ठीक कह रहा है परमैन। चाहे कुछ भी बोले, हमने उन्हें जरूर देखा था। मैंने भी ड्रैकुला देखा था। हाँ, ये सच है। आखिर किसी तरह बच्चे मान तो गए। शुक्रिया पाको, तुमने तो आज मुझे बचा लिया। मेरे पास बताना प्लीज। Thank you.